हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और चलिए आज हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास एच एफ डिलक्स की बाइक है और जैसे कि गाड़ी को सीधी चलनी चाहिए तो सीधी नहीं चल के टेढ़ी चलती है, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सिंपली जो है आपको पहले टी आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, ये जो है काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा हो चुका है, तो इसको कैसे लेथ पे रिपेयर कराएंगे वो हम आपको बताते हैं। तो सिंपली सारा चीज़ इसका पहले खोल के बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको हम लेथ पे भेजेंगे, तब ये प्रॉपर तरीके से सीधा होगी और अच्छे से बाइक चलेगी। यानी कि एक्सीडेंट बाइक है और आप देख पा रहे होंगे हैंडल जो है ये काफ़ी इस साइड भगी हुई है और आगे से सारा वाइजर वगैरह हेडलाइट वगैरह सब टूट चुकी है, मडगार्ड भी टूट चुका है। तो चलिए फटाफट खोलते हैं और इसको बनाते हैं किस तरीके से, तो पूरा वीडियो में एंड तक बने रहना। नेक्स्टली जो है हमने सॉकर टी को पूरा बाहर निकाल दिया और ये आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा टेढ़ा हो चुका है, ठीक है। तो इसको अब लेथ पे ले जाएंगे और फिर वहाँ पर इसको रिपेयर करवाएंगे। तो पूरा चीज़ हमने इसका खोल दिया है पार्ट्स और बाकी जो भी होगा फिर इसको टाइट मतलब करेंगे आने के बाद। जैसे कि अब जो है हमारा सॉकर पाइप वगैरह जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको हमने जो है सीधा करवा दिया। अब ये जो है आप इस तरीके से नाप कर देख सकते हैं, कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं। अब जो है इसको इस तरीके से उल्टा कर लो और इस तरीके से, ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। यानी कि मैंने इसको सीधा करवा दिया, टी वगैरह भी प्रॉपर तरीके से शुद्ध करवा दिया। अब इसका हैंडल जो होगा यहाँ पर इस तरीके से ग्रीस डाल के जो है ग्रीसिंग भी कर देंगे, जो कि हैंडल काफ़ी अच्छा चले, नीचे ऊपर दोनों साइड से ग्रीसिंग इस तरीके से कर देना है। बिल्कुल कंप्लीट हो गई, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सॉकर अच्छे से फिट हो गया और हेडलाइट वगैरह मैंने सारा लगा दिया है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। इसके अंदर नक्का का जो भी ये टूटा हुआ था इसको भी मैंने रिपेयर करा दिया, यानी वेल्डिंग करा दिया, ठीक है। अब आगे से बिल्कुल सीधा हो गई बाइक, कोई तरह का दिक्कत नहीं रहा। मडगार्ड वगैरह भी चेंज करना पड़ा, हेडलाइट भी चेंज करना पड़ा। इसमें मैक्सिमम समझ लीजिए कि कम से कम 2500 रुपये इन्वेस्ट हो जाता है अगर इस तरीके से आग अगर नशा करके अगर बाइक को चलाते हैं और इस तरीके से यूज करते हैं तो इससे काफ़ी बड़ा आपको नुकसान हो जाता है, हादसा हो जाता है। तो देखिए कि 2500 रुपये का नुकसान हो गया और इस तरीके से आपको बाइक नहीं चलाना जो कि कोई तरह का हादसा हो। हालांकि बाइक तो ठीक हो जाती है, अपने आप को सुरक्षित रखना काफ़ी ज़रूरी होता है।